भाई साहब मैंने बोल दिया ना, मैं अपनी देसी बकरी और उसके बच्चे किसी को नहीं बेचने वाला, क्योंकि वो मुझे बेहद पसंद है। चला फोन रख। है ये एक बकरी का बच्चा, दूसरा कहाँ गया? उस्ताद बिल्लू ये देख, हम कर रहे हैं बकरी का बच्चा चोरी। अरे सदके 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 सदके, पकड़ो। मैंने तुम लोगों को कहा था दोनों के दोनों चोरी करके आओ, क्योंकि ये मुझे बेहद पसंद है, इसे रखो यहाँ पे। चलो जाओ, अब दूसरा बकरी का बच्चा चोरी करके आओ और तुम लोगों को मैं बड़ा इनाम दूंगा। यार एक दफा तुमने चौधरी को चकमा देकर बकरी का बच्चा चोरी कर लिया है, अब फिर से कैसे करेंगे? अबे यार तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूँ ना तेरे साथ, चोरी तो मैं करूंगा, तूने बस मेरा साथ देना है। और जब हम ये दूसरा बच्चा भी चोरी कर लेंगे ना, तो बिल्लू को जाके देंगे तो हमारे पैसे भी ज्यादा बनेंगे। हाँ ये हुई ना बात, चल अब देर किस बात की। चल भाई इधर तो कोई भी नहीं है, रास्ता सफा है। सालो तुम लोग मेरी बकरी के बच्चे चोरी करते हो, रुको तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ओए तू भी इधर आ जा, वरना ये बेबाक मारा जाएगा। जिसका डर था वही हुआ। हाँ भाई बताओ, तुम लोगों ने किसके कहने पे मेरी बकरी के बच्चे चोरी किए? छोटे बता दूं? साले बता दे वरना मैं मर जाऊंगा। वो हमने उस्ताद बिल्लू के कहने पे चोरी की है। क्या बिल्लू? अच्छा जब उसको मैंने बकरी के बच्चे नहीं बेचे तो उसने चोरी करवा ली, इसका तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। मतलब फिर तो हमारी जान बच गई? नहीं, तुम लोगों की जान मैं एक शर्त पे छोड़ूंगा, इसके बदले तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। ठीक है? अच्छा ठीक है। उस्ताद उस्ताद तेरा कट्टा खुल गया। क्या बात कर रहे, किसने मेरा कट्टा खोला? उसकी तो मैं। ओए तूने मेरा कट्टा चोरी किया? चौधरी साहब आप इधर। क्योंकि ये कट्टा मैंने चोरी करवाया है। चौधरी साहब वो क्यों? साले तूने जो मेरे बकरी के बच्चे चोरी करवाए थे वो भूल गया, ये उसका हरजाना है। अच्छा लेकिन सालो तुम लोग तो मेरे साथ ही थे, इसके साथ कैसे मिल गए? क्योंकि चौधरी साहब ने हमें इस काम के डबल पैसे दिए थे।